चलूं? मारो। एक भी नहीं गई। माया सेंटर परफेक्ट है ना। टाइम हो रहा है 4:30। अबे ओए उठ, इधर देख कितने बज रहे, टाइम क्या हो रहा है, उठ। ठीक है, रात भर पबजी खेलोगे और अभी सोओगे? उठ रहे, उठते क्या है, छूते हो जरूरत है। चलो पहले बाल कटाते। और आज हम शेफ बने हैं। जैसा कि देख सकते हो, एकदम परफेक्ट अपनी अपनी जगह पे। ये कलाकारी है हमारी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या भैया, हाँ कहाँ हो आजकल? ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाना है, वीडियो शीडियो कुछ अपलोड नहीं करना है यूट्यूब पे? देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है आजकल यूट्यूब पे? और आप होगी 10-15 दिन से गायब हो, मतलब मसला क्या है भाई, मसला क्या है? तो देखो भैया, मसला कुछ नहीं है, हम तो बस अपने घर पे आराम से चिल कर रहे थे, लॉकडाउन के मज़े उठा रहे थे, और कभी कभी दोस्तों लोग के साथ कैरम वरम भी खेल ले रहे थे। बट ये 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि YouTube वर्सेस TikTok की जो जंग छिड़ी हुई है, मतलब ये YouTube और TikTok को लेके जो जंग छिड़ी हुई है मार्केट में, तो काफ़ी सारा मतलब रोस्टेड वीडियो बन रहा है, ऐसे अलग अलग वीडियोस बन रहे हैं। तो मैंने भी सोचा अगर मैं कोई रोस्ट वीडियो बनाऊँ अपने चैनल पे, अपलोड करूँ, तो कैसा रहेगा, मतलब मैं अगर रोस्ट करूँगा तो। ठीक है, चलो, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पहले रोस्ट वीडियो में, जिसमें आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं आमिर सिद्दीकी। जी हाँ, देखो ऐसा है ना कि मैं इनको पर्सनली जानता नहीं हूँ, और ना मेरे को जानना है। अगर मैं रोस्टर रहता, अगर रहता, अभी तो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, अगर रहता तो मैं वही उसी पर्सन को मार करता जो ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, जैसे भाई साहब चल रहे, तो समझ जाओ बाकी। तो बात करेंगे आमिर सिद्दीकी के बारे में, जिसने आजकल YouTube वर्सेस TikTok का जो लफड़ा चालू किया है, जो मसला हो रहा है, जिसकी जंग चालू है, YouTube अच्छा है, TikTok अच्छा है, क्या अच्छा है बेटर। बात है आमिर सिद्दीकी की, तो इसने जंग छोड़ दी है, लाइक एक IGTV वीडियो बना के, जिसमें भाई साहब ने सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स को टैग किया, और उसके बाद हमारे कुछ यूट्यूबर्स भाई लोग ने बेशुमार मोहब्बत दिखाई है, यहाँ तक कि कैरी भाई ने भी जवाब दे दिया। आई ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग, के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगी। लेकिन का एटीट्यूड और का मतलब क्या बोलूं, तशन तो देखो। उसके बाद भी भाई ने अपने इंस्टा स्टोरी पे कैरी बना दी, तू ही मेरा भाई है, गाइस स्वाइप अप, मतलब क्या ये भाई,
ए बंद कर यार, ये बंद कर, ये सब बंद कर, मेरे से नहीं भेजा भाई, बंद कर। ना भाई ना, हमसे ये रोस्टिंग वोस्टिंग कतई नहीं हो पाएगी, हम अपने व्लॉग्स में ही ठीक है। अगर देखो, अगर मेरे को रोस्टिंग करना रहता तो मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा कुछ प्लान करता, बट मेरा जो मेन मोटिव है वो व्लॉग्स का है, वो अलग बात है। व्यू सब्सक्राइबर अगर नहीं आ रहे हैं तो आप ये सब मतलब देख रहे हो क्या हो रहा है, तो हम व्लॉग्स में ही ठीक है। और देखो कैसा है ना कि मार्केट में ये सोशल मीडिया में हेट बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, जैसे कि आपने देख लिया आमिर सिद्दीकी वॉज द हैप्पीएस्ट गाय बिकॉज ही वॉज रोस्टेड बाय कैरी मीनाती। तो हेट व्हाटएवर, मतलब कैसा भी है, बट वो फेमस तो हो गया आज मार्केट में, मतलब हर जगह नाम वाम। तो अब मेरे को भी आप बोलोगे स्ट्रेट वीडियो बनाऊं और ऐसे मतलब ये दो चार लोग को टैग करूं, ये सब करूं, वो सब करूं, तो भाई देखो ऐसा है ना कि अपने को, मेरे को ना पर्सनली इसमें कोई शौक नहीं है, मैं नॉर्मली व्लॉग स्टार्टिंग से बनाता था और आगे भी मेरे चैनल पे व्लॉग्स ही आएंगे। हाँ, अगर बात रिएक्शन वीडियोज़ की है तो वो सब मैं थोड़ा बहुत देखूंगा, और अगर आगे भी कुछ भी चेंजेस करना रहा अपने चैनल के लिए, ग्रोथ के लिए या समथिंग, तो बाद में देखेंगे, बट अभी फिलहाल तो मैं व्लॉग्स ही कंटिन्यू रखूंगा। वो अलग बात है कि मैं बहुत लेट व्लॉग डालता हूँ, मतलब 10-15 दिन के बाद, कभी कभी तो एक महीने बाद भी डालता था व्लॉग, उसके लिए आई एम सॉरी, बट कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग अपलोड करूँ, और समझ रहे हो मतलब एक अच्छी सी कम्युनिटी बनाऊँ, अच्छी वाली जेन्युइन कम्युनिटी, ये मतलब जो मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से नहीं, तो समझ रहे हो ना आप, मतलब समझ सकते हो ना आप मेरी भावनाओं को, समझ सकते हो। तो कोई अगर मेरे को चाहता है कि रोस्टेड वीडियो बनाऊँ तो भाई आई एम सॉरी, तो हम ठीक है भाई, यही ठीक है भाई, सब बढ़िया है। और China, not to hold me down, feel alive.